हेलो, संडे लाइव विद मोहित स्टार्ट हो चुका है। कैसे हो तुम सब? कैसे हो, मतलब किसको कहूँ कैसे हो तुम सब, जबकि अभी कोई आया ही नहीं है। अभी अभी तो लाइव स्टार्ट हुई है, अभी अभी तुमको नोटिफिकेशन मिला होगा और अभी तुम थोड़ी देर में आओगे। तो जब तक आओगे आओगे उससे पहले निकिता 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 बत्रा का पहला कमेंट आया है। हाय हाय निकिता बत्रा, हाय तरुण शर्मा, हेलो एनआरएस ऑप्टिमिस्टिक्स, पाप्या वैद, हाय मार्गी जानी, हाय शीला शर्मा, एनआरएस अरे कह रहा है, अरे अरे अरे, रेखा माथुर कह रही है हाय हाय रेखा, हाय हेमंतिका राठौर, एनआरएस वापस से अरे कह रहा है, अबे क्या हो गया तुझे। और मार्गी बोल रही है वो बढ़िया है, वो बढ़िया है। अच्छा अभिषेक नेहरी कह रहे नमस्ते मोहित भाई, नमस्ते अभिषेक। हेलो नील पटेल, सिंगर अभिषेक कह रहे हाय मोहित, व्हेन टाइम योर कॉन्सर्ट इन बोकारो। ओके, तो अभिषेक भाई मैं यार मतलब आऊंगा यार कभी बोकारो में भी कॉन्सर्ट करने। हाय सुजाता कटियार, हेलो शुभी श्रीवास्तव, धीरे धीरे सब लाइव आ रहे हैं, धीरे धीरे आते हैं यार, बताओ फटाफट से तो होता है नहीं। अभी जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि मतलब पहले मैं लाइव यहाँ से जाऊंगा, उसके बाद में तुम्हारे पास में नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद में तुम लाइव आओगे, फिर कनेक्शन अपना धीरे धीरे हौले हौले हो जाएगा, प्यार की तरह हौले हौले कनेक्शन दिखाएगा यहाँ पे। अरे यार रेखा कह रही कैसे हो, मैं एकदम बढ़िया हूँ। तान्या गिरी पूछ रही कैसे हो, मैं अभी एकदम अच्छा हूँ, लेकिन थोड़े टाइम से मेरी थोड़ी ना थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, तो मेरे तो मेरा गला थोड़ा सा खराब हो गया था और जुकाम हो गई थी, कोल्ड हो गया था मुझे। उसके बाद में अभी अभी सब बढ़िया है, अभी सब शानदार होता जा रहा है। और आज आज फाइनली मेरा गला काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया, तो आज मैंने पेट भर के, जैसे खाते ना वैसे मैंने पेट भर के रियाज किया है, कि मुझे वो रियाज बड़ा मिस हो रहा था, इतने दिन से थोड़ा गला खराब हो गया था ना, इसलिए तो रियाज किया है। और वाह यार ये क्या फीचर है, एक मिनट मैं राइट करता हूँ तो मुझे बताता है कि लाइव व्यूअर्स कौन कौन है। तो लाइव व्यूअर्स में तरुण शर्मा है, निशी गुप्ता है, अश्वनी प्रताप रॉय हैं, युवराज सिंह राजपुरोहित है, पूजा तंबोली, काजल चौहान, सुजीत कुमार धुतारगी, मार्गी जानी तो है ही, दिव्यांशु श्रीवास्तव, पाप्या वैद, पल्लवी पत्रा, अंशिका गुप्ता, निशा परमार, रेखा माथुर, प्रशांत गुप्ता, अनीता अनी, अश्विनी क्रिपो, एजाज यामीन, अकबर खान, साक्षी यादव, अराइना कश्यप, संचित पसोत्रा, मतलब इसमें मतलब एकदम सारे के सारे लोग दिखा रहे हैं मेरे को जो जो लाइव है। मैंने बस राइट स्वाइप किया और मुझे अभी जितने भी लोग तुम सब लाइव हो ना, तुम सब के नेम्स मतलब यहाँ पे दिखा रहा है प्रोफाइल फोटो के साथ में, प्रोफाइल पिक के साथ में, तो है तो शानदार चीज है यार, बढ़िया। तो अभी अभी सब अच्छा है, अभी अभी गला काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और जैसा मैंने तुम्हें बताया कि आज मैंने मतलब अच्छे से रियाज भी किया, बहुत ही बढ़िया तरीके से रियाज किया, एक है ना इवनिंग राग लगाई थी मैंने करीबन 3-4 बजे से, और उसी राग पे फिर मतलब रियाज चालू कर दिया मस्त। तो आकांक्षा मपारे कह रही हेलो, हेलो आकांक्षा, दीपक साहू कह रहे यू आर सो क्यूट, थैंक यू यार दीपक भाई, मतलब बढ़िया यार, मतलब मेरे को नहीं पता, देखो यार ये सब क्यूट 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 मतलब ऐसा जैसे हैं वैसे ही हैं अपन, तो तुम अब तुम्हारे ऊपर है तुम कैसा लग रहा है कोई इंसान। तो ये अगर तुम्हें कोई भी अच्छा लगता है ना, तो ये तुम्हारी मतलब तुम्हारे अंदर की अच्छाई है, मुझे तो ऐसा लगता है। और तुम्हें कोई बुरा लगता है तो ये तुम्हारे अंदर की बुराई है कि तुम्हें कोई बुरा लगता है। तो ऐसा सब है, इंसान तो ऐसे ही होते हैं जैसे हैं ऐसे ही हम, तो शानदार। ताने के लिए बैकग्राउंड बढ़िया है ना, बढ़िया है ना बैकग्राउंड, ये मैंने मैंने चूज किए थे। अरे तुम सबको बताया तो है ही नहीं मैंने यार, ये जहां पर मैं अभी बैठा हूं ना, ये अपना अपने नए घर का म्यूजिक रूम है। तो ये अभी मतलब इसका कंस्ट्रक्शन जैसे होता है ना मकान का, वैसे अभी कंस्ट्रक्शन तो इसमें जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ इसका मैनेजमेंट बचा हुआ है। तो ये अपना म्यूजिक रूम है और इसे मतलब अपने बहुत दिल से अपनी तरह से सजाया। इस म्यूजिक रूम में बहुत प्यारी से एक लैंप भी लग रहा है, तुम्हें दिख रहा होगा ये, अभी तो इसकी मतलब सिर्फ लाइट दिख रही है, इतना जगमग जगमग है। ये मेरी जो छोटी सिस्टर है ना भव्या, उसने मुझे गिफ्ट किया था इस रूम के लिए, तो ये वो लाई थी पौंडीचेरी से, अभी वो पौंडीचेरी जॉब कर रही है ना, आर्किटेक्ट
आर्किटेक्ट है वो। तो यश नाई कह रहे हैं आप तो मेरी जान हो। अरे बिल्कुल। और एनआरएस कर अच्छा ज्ञान बांट रहा है। बिल्कुल एनआरएस आप बटोर लो यार प्लीज, आपको जरूरत है। तो कोमल जैन कह रही है हाउ आर यू, मैं एकदम अच्छा हूँ कोमल। मिस तो सरकार कह रही कभी वेस्ट बंगाल आओ। तुम बुलाओ तो सरी, और ऐसे बुलाने से काम नहीं चलेगा यार। मतलब देखो मैं आऊंगा ना इवेंट के लिए आऊंगा, तो कुछ इवेंट इवेंट होता है वहां पे तो अपन पक्का से मिलेंगे शानदार। और आदर्श एडी राजपुरोहित कहते हैं हे भैया मैं आने में लेट हो गया, मैं भी लाइव कर रहा था। अच्छा भाई मैं भी आने में लेट हो गया, पर मैं लाइव नहीं कर रहा था पहले से, मैं शॉपिंग कर रहा था। तो मैं और मेरे बड़े भाई और मेरा छोटा भाई, हम तीनों पास में शॉपिंग करने गए थे कुछ सामान लेने के लिए। बुद्धू चौधरी कह रहे हैं यार बड़ा प्यारा सा नाम है आपका बुद्धू चौधरी, एक बार कपकेक हो जाए मोहित प्लीज, मैं आपको हर जगह फॉलो किया है। अच्छा देखो अब मैं चलो ठीक है गाता हूँ यार। के रात को जो तू ख्वाब ले मैं ख्वाब तू, मखमली सी रेशमी सी आवाज दू, जिस कसम के तेरी नींद को आराम हो, जैसे मैं के तेरे पास में गुलाब हो, कि कहती जिंदगी में आया कैसा क्रेक है, कह ले कुछ भी तू मेरा कप केक है। तो ऐसा। तो मुस्कान गोयल कह रहे हैं हाय मोहित कैसे हो, बड़े दिनों बाद ज्वाइन किया मैंने लाइव आपका, स्पेस नहीं था अनइंस्टॉल कर दी थी। ऐसा है क्या मुस्कान? कोई बात नहीं, अभी तो स्पेस आ गया ना आपके फोन में, तो अभी आप फेसबुक भी डाउनलोड कर सकते हो और लाइव भी कर सकते हो। आर्यन कुमार सिंघानी कह रहे कभी पटना आओ भाई आप। बिल्कुल आर्यन भाई कभी वहां पे शो हुआ तो जरूर आऊंगा। घूमने के लिए मतलब मैं मतलब ज्यादा ऐसे जाता नहीं हूँ। एक बार मैं मेरे को मतलब कुछ शौक चढ़ा था तो मैं अकेला गोवा भाग गया था, जो मैं पहली बार मेरे को ऐसा घूमने का शौक चढ़ा था ना, वो था अप्रैल 2015 की बात है ऐसा। तो मैं अकेला ही चला गया था यहाँ से मुंबई से गोवा। ऐसे घूमने का थोड़ा मतलब इतना मतलब वो नहीं है मुझे, मैं मतलब रूम वाला रूम में घूमता हूँ मैं, अपने अपना ये जो रूम है उसी में आजू बाजू घूमता रहता हूँ, कुछ गाने लिखता रहता हूँ, कुछ लिखता रहता हूँ, बनाता रहता हूँ, ऐसा रूम रूम ट्रैवलर हूँ मैं। आई एम अ गुड रूम ट्रैवलर। संपत कुमार भास्कर रहे यू आर सो हैंसी ब्रो, थैंक यू यार भाई संपत। और इंजीनियर बीजल पटेल कह रही है ओए बहुत टाइम से आपने मेरा नाम भी नहीं लिया, मुझे लव यू टू भी नहीं बोला, आई लव यू यार। अरे आई लव यू यार बीजल, वो क्या है मुझे ना मतलब तेरा कमेंट नहीं दिखाओगे ना तो, इसलिए कमेंट दिखा तो पक्का रिप्लाई करता ही ना और नाम भी लेता और आई लव यू बोलता। पर आई लव यू तो डिफॉल्ट है देखो तुम सबके लिए, अपना तो हमेशा रहेगा बहुत दिल से एकदम शानदार, बहुत शानदार वाला प्यार है मेरे को तुम सबसे, अलग है अभी नहीं समझोगे बेटा, आन दो टाइम आन दो तुम सबको पता चलेगा। अरे यार बताओ मस्त एकदम चिल, आज मैं बहुत चिल हूँ यार पता है, बहुत ही ज़्यादा सुपर चिल हूँ आज। सिर्फ मैंने ध्यान किया, रियाज किया बहुत अच्छे से, बहुत जैसे मैं तुमको बताया कि बहुत टाइम बाद गला रिकवर हुआ कोल्ड से, तो फाइनली आज मैं रियाज कर पाया अच्छे से, मेरा बहुत अच्छा लग रहा है। अंकित सिंह कह रहे हैं नाइस लुकिंग, थैंक यू यार अंकित भाई। शेख मुनीर कह रहे हैं मेरा नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि शेख भाई मुझे आपका कमेंट अभी अभी दिखा है। अमित पांडे कह रहे हैं प्लीज आई हैव टू लिसन अ सॉन्ग ऑफ यू, कौन सा अमित बताओ कौन सा सॉन्ग सुनोगे। नील पटेल कह रहे हैं भाई मेरा गिफ्ट भी है, वाह वाह आई लव 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 लव। बिल्कुल नील आपका गिफ्ट यहाँ पर जरूर है, आपके सारे गिफ्ट मेरे पास में पड़े हुए हैं। हेतल कटारा कह रही है रूम ट्रैवलर हेलो मोहित, हाय रूम ट्रैवलर मोहित की तरफ से हेतल आपको बहुत प्यार भरा हाय। ईशानी नामदेव कह रहे हे पगले से हो आप, वाना मीट यू सून प्लीज आ जाओ देहरादून। अरे यार ये तो राइम हो गया बहुत शानदार, वाना मीट यू सून प्लीज आ जाओ देहरादून, ये तो मतलब बहुत ही शानदार वाला राइम हो गया, मतलब मजा आ गया मुझे। मयंक शर्मा कह रहे हैं केम टू नो अबाउट यू फ्रॉम माई कॉलेज फ्रेंड जितेश यादव, यू सच अ ग्रेट बॉय गुड पर्सनैलिटी। अरे यार जितेश तो भाई मेरा मतलब बहुत प्यारा भाई है, जितेश यादव जिनकी बात कर रहे हैं ना अपने ब्रो मयंक ब्रो, तो जितेश से मैं मिला था जब मैं मतलब रॉ स्टार से भी बहुत साल पहले 2-3 साल पहले मेरा बैंड हुआ करता था एक जयपुर में पायरेट्स ऑफ सोल करके,
तो है ना, हम ब्यावर में गए थे न्यू ईयर्स, न्यू ईयर ईव्स का वो इवेंट करने के लिए। तो है ना, वहां पे मेरे को जितेश मिला था, और तब से मतलब वो जितेश और मेरा इतना प्यारा मतलब बॉन्डिंग हुआ ना, कि मतलब वो बहुत बहुत प्यारा भाई है मेरा। बहुत उसने हेल्प करी रॉ स्टार के टाइम पे। दिल्ली में पढ़ता था वो, तो दिल्ली में जा जाकर मतलब उसने सारे कॉलेजेस में मेरे पोस्टर लगवाए कि मोहित को वोट करना है, मोहित मेरा भाई है, मोहित भाई को वोट करना है, तो ऐसा करके। और फिर वो यहाँ मुंबई भी आया था एक अच्छा सा प्यारा सा पोस्टर बनाकर। जब मेरा जयपुर में कॉन्सर्ट हुआ था ना, रॉस्टर का पहला कॉन्सर्ट, तब भी वो वहाँ पे सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा, सबकी हेल्प कर रहा, और कैसे मतलब सबसे बेस्ट हो सकता है वो सब। मतलब वो कहने को मतलब कह सकते हो कि मतलब दोस्त है, और या मतलब कहते ना वो ब्रदर फ्रॉम अनादर मदर। तो इस तरह से अपना जितेश, और बहुत प्यारा इंसान है। और मैं कभी लाइव उसके साथ में हो ना, तो हम साथ में लाइव आएंगे स्पेज पे, तो तुम सब भी उससे मिल पाओगे। डार्लिंग है अपनी वो, बहुत प्यारा भाई है मेरा। तो अर्शी अलीम कह रही है, मोहित यार आई वांट टू शेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फाइनली आई गॉट माय ट्रू, प्लीज विश अस अ गुड लक। प्लीज गुड लक आपको अर्शी। मुझे पूरा आपका कमेंट आपने लिखा है, लेकिन मेरे को अच्छे से समझ में नहीं आया आप क्या कहना चाहते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत ही स्पेशल पर्सन आया है, और आप गुड लक कहना मतलब चाहते हो, ऐसा ऐसा क्या? आपका कमेंट पूरा नहीं आया, इसलिए मुझे पूरा समझ में भी नहीं आया। ऐसा सा थोड़ा हो गया, मतलब भावनाएं थोड़ी और आपको बतानी पड़ेंगी अपनी, ताकि मैं अच्छे से समझ पाऊँ। तो राहुल वर्मा कह रहे हैं, रांची कब आ रहे हो भाई? मैंने तुम्हारे ना हर सॉन्ग सुने हैं ब्रो, भाई यू आर रॉकिंग। थैंक यू भाई, थैंक यू। और अतिशय जैन बीजेपी कह रहे हैं हेलो हेलो अतिशय। और पांड्या चंदन के लिए, राजस्थान डूंगर पर आओ साहब। बिल्कुल पांड्या चंदन भाई, मैं आई होप मैं जल्दी आऊँ वहाँ पे भी यार। मैं आऊँगा कभी तो आपको ज़रूर बताऊँगा। वसुंधरा गोपा कह रहे हैं, सर आप आंसर तो दो। वसुंधरा आपका जो भी कमेंट आया था, शायद मैं वो पढ़ नहीं पाया हूँ, एक बार आप बताएंगे क्या क्वेश्चन था आपका? मर्जीना खतून कह रहे हैं, लव यू मोही, आई लव यू टू मर्जीना। तो नेहा दुबे कह रहे हैं, लुक हियर ऑल्सो। अरे अभी आपका कमेंट दिखा नेहा, कैसे हो आप? और तायशो आलो कह रहे हैं, तायशा आलो क्या नाम है आपका, बहुत प्यारा सा नाम है। तायशा आलो कह रहे हैं, यू आर माई बिग बिग क्रश, स्पेशली योर स्माइल, थैंक यू आर तायशा, थैंक यू। तो प्रत्युष श्वेता कह रहे हैं, सच कहूं उदित नारायण जी के बाद शायद आप ही हैं मोहित भैया, जिनकी आवाज बिल्कुल अलग है और आपके हर शब्द का उच्चारण जबरदस्त है। थैंक यू यार प्रत्युष भाई, आपने मतलब इतना मतलब बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया है उसके लिए। और उदित नारायण जी की आपने बात की ना, आपको पता है मैंने जब सिंगिंग स्टार्ट करी थी ना अपनी लाइफ में, तो मैंने सबसे पहले उदित नारायण जी को सुन के ही की थी। मतलब उनको उनका वो गाना था यूं ही चला चल राही, और ये तारा वो तारा, स्वदेश मूवी का, तो है ना मैं वही गाता रहता था पूरे टाइम। और जब वो इंडियन आइडल में वो जज आए थे ना, तो मैं उनको मतलब बहुत पसंद करता था यार तब से। तो शायद हो सकता है उनका कुछ इंस्पिरेशन मतलब उनसे कुछ मैंने इंस्पायर होके कुछ सीख के, उनको ऑब्जर्व करके, प्यार करके, मैंने भी उनकी कुछ मतलब क्वालिटीज मेरी भी मतलब शायद सिंगिंग में आई हो। ऐसा होता है मतलब ज़्यादातर जिस आप सिंगर को सुनते हैं ना, तो उसकी तरह आपके गाने का मतलब हो जाता है, क्योंकि वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं वो, इसलिए ऐसा। किशोर साह कह रहे, सर ईगरली वेटिंग टू लिसन योर वॉइस। अरे ब्रो पर मैं तो इतनी देर से देखो बोल रहा हूँ आप सबके लिए, तो आप मेरी वॉइस तो सुन सकते हो। हाँ गाना आप कहोगे तो मैं गा दूंगा आपके लिए, जैसे मेरा थोड़ा सा, अरे कोई ना यार गला तो होता रहता है, अब सही खराब तो ये तो छोटी बात है। तो बताओ कौन सा गाना गाना है, तुम तो गा देंगे मस्त बिंदास, शानदार। सहर मार्शल काजमी कह रहे हैं, यू सीम्स बी वेरी काइंड हार्टेड एंड सॉफ्ट पर्सन, आई फील इट फ्रॉम योर आईज एंड द वे यू स्माइल, इज द बेस्ट थिंग, आई होप योर लॉन्ग लाइफ एंड हैप्पी वन, लव फ्रॉम अफगानिस्तान। थैंक यू साहिर मार्शल काजमी, थैंक यू सो मच फॉर दिस लव, एंड इट्स ऑल इन योर आइज यार। मतलब मैं तो ये मानता हूँ बस जैसा है इंसान वैसा ही है यार, द ब्यूटी इज ऑलवेज इन द आइज ऑफ द ब्यूरर। तो अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो ये आपकी अच्छाई है, और ये मेरा कुछ भी नहीं है इसमें, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो ऐसा ही हूँ बस। तो मुझे अभी लाइन से कमेंट आए हैं, पापिया बैद कोलकाता कोलकाता कोलकाता, नील पटेल लव यू मेरे भाई, एज इन दोनों के कमेंट लाइन से आए एकदम एक साथ में। तो
तो है ना आलोक कुमार कह रहे सर आई लव योर ओल्ड ऑल सॉन्ग सर यू आर ग्रेट प्लीज वन सॉन्ग कौन सा सॉन्ग बताओ. ओ मामा माय बेबी जितनी सारी खुशियां सब तूने दी है सबसे प्यारी भोली भाली छोटू सी तू गुड़िया है सबके लिए. ओ मामा माय बेबी ओ मामा माय बेबी. तो ये गाना भी इस गाने की बड़ी प्यारी सी स्टोरी है. अगर तुम कभी कहोगे तो मैं तुमको जरूर बताऊंगा इस गाने की स्टोरी. मामा मामा मेरी लाइफ का मतलब लाइफ का लाइफ चेंजिंग सॉन्ग था क्योंकि ये सॉन्ग सुनने के बाद में पहली बार मतलब पापा ने कहा था सबके सामने मॉम को कि कुमुद चीनू को करने दे जो करना चाहता है. तो मतलब ये बहुत ही स्पेशल सॉन्ग है मेरे लिए. तो ये तो अलग ही अलग चीज़ है मतलब मेरी लाइफ की. ऐसे ना बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जिनकी बहुत सारी कहानियाँ और बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जिनकी बहुत सारी कहानियाँ. एक और बोलूँ तो ऐसे बहुत सारी कहानियाँ जिनके बहुत सारे सॉन्ग्स हैं और बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जिनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं. वो सब ना मुझे यार मतलब तुम सबको सुनाना है लेकिन धीरे धीरे टाइम आने पर. अरे मैं सोच रहा हूँ जल्दी ना मैं मतलब पोएम्स लिखना है मुझे बहुत पसंद है. तो मैं सोच रहा हूँ कि कभी कभी तुम सबको अगर पसंद हो अगर तुम सब सुनना चाहो तो मैं अपनी पोएट्री भी सुना सकता हूँ तुमको. मेरे को पोएम्स लिखना बहुत पसंद है पहले से मतलब गाना गाने से ही पहले से मुझे राइटिंग बहुत पसंद है. मैं लिखता लिखना बहुत पसंद था मुझे मतलब कुछ स्टोरीज लिखना या मतलब पोएम लिखना. तो फिर बाद में धीरे धीरे गाने लिखना शुरू किया फिर गाने गाना शुरू किया. तो ऐसा ऐसा था. तो है ना मतलब अगर तुम कहो तुम सबको अगर अच्छा लगे तो मैं तुम सबके लिए मतलब जो मैं पोएम्स लिखता हूँ वो भी मैं मतलब वीडियो बनाकर तुम सबके लिए डाल सकता हूँ अगर तुमको मतलब इच्छा हो सुनने की. नहीं भी इच्छा हो तो सुन लेना यार मतलब बहुत प्यार से लिखी है मैंने और मेरे को बड़ा अच्छा लगता था मतलब स्कूल टाइम में भी और कॉलेज टाइम में भी मतलब अपनी पोएम्स और अपने लिखे हुए गाने सबको सुनाते रहना. तो पकड़ पकड़ के मैं सुनाता था मेरे जूनियर्स को बुला बुला कर. चल रौनक आ मेरे को तेरे गाना सुनाना. मयंक किधर आ. मयंक थाड़ा था मेरा बहुत प्यारा सा जूनियर. नाथू और तुषार और मेरे दोस्त नंदू दीपक अक्षी ओशीन इन सबको पकड़ पकड़ के मतलब मैं सुनाता था कि भाई मैंने ये कुछ नया लिखा है चलो मैं तुमको सुनाता हूँ. तो ऐसे मतलब तुम सबको इच्छा हो तो बताओ तुमको सुनने की इच्छा हो कभी पोएम्स तो मैं पोएट्री भी डाल सकता हूँ. मेरे को अच्छा लगेगा तुम सब सुनोगे तो. पोएम्स मेघा अग्रवाल कह रहे हैं इतना भी इग्नोर करना अच्छा नहीं होता है हमेशा नील पटेल को रिप्लाई करते हो. अरे एक्चुअली होता क्या है ना मेघा अगर जैसे आप मतलब नील ने अगर बहुत सारे कमेंट्स किए हैं ना तो उसके बहुत सारे कमेंट्स मेरे को ज़्यादा बार फ्रीक्वेंसी में दिखेंगे. अगर आपका एक कमेंट आया है तो शायद बाकी के कमेंट्स की वजह से वो ऊपर स्क्रॉल हो जाएगा. तो ऐसा तो नील शायद बहुत बार मैंने उनका देखा है एक ही मैसेज बार बार वो कमेंट करते हैं तो क्या है उनका दिख जाता है उनका बहुत अच्छे से मतलब मेरे को दिख जाता है क्योंकि बार बार आता रहता है उनका वो कमेंट ऐसा. तो बीजल पटेल कह रही है पोएम से याद आया कि हम छोटे थे तब जो पोएम गाते थे वो गाओ ना जॉनी जॉनी और ट्विंकल ट्विंकल आप गाओगे तो कैसा लगेगा. अरे यार नहीं 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 मतलब ऐसा नहीं ऐसी पोएम्स नहीं मतलब इतनी भी मतलब वो क्या नर्सरी राइम्स जैसी पोएम्स नहीं है. थोड़ी सी अलग टाइप की पोएम्स है. नर्सरी राइम्स जैसी पोएम्स मैंने लिखी थी कभी लेकिन जो मैं तुमको सुनाना चाहता हूँ वो थोड़ी अलग किस्म की पोएट्री होगी तो सुनाऊंगा मैं कभी किसी दिन. और क्या बोलूँ. अच्छा अभी ना वैसे सच बताऊँ तो मेरी इच्छा नहीं हो रही जाने की पर मेरी इच्छा बहुत ज़्यादा ये भी कर रही कि मैं जाके अभी रियाज करूँ. तो शीला शर्मा कह रही आई लव यू. आई लव यू टू शीला. तो मेरी जाने प्रिया बजाज कह रही लव यू लॉट. आई लव यू लॉट प्रिया. तो पापिया कह रही आज जाने की जिद ना करो. हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे ऐसी बातें किया ना करो आज जाने की जिद ना करो. और
अभी बस जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मेरी जाने मनो। गौरी विश्वास कहनी, डू यू कम लाइव एवरी संडे लाइक दिस? यस गौरी, आई डू कम लाइव एवरी संडे लाइक दिस एट 9 PM। एंड कभी नहीं हो पाता है तो मैं कोशिश करता हूँ किसी और दिन लाइव आ पाऊँ, लेकिन हफ्ते में एक बार तो लाइव आता ही आता हूँ। वो संडे लाइव विद मोहित हो सकता है, वो मंडे लाइव विद मोहित हो सकता है, सिर्फ लाइव विद मोहित हो सकता है, लेकिन वो होगा ज़रूर। तो बंची अतृष्णा कह रही, आज तो नाम ले लो, तरस गए आपकी आवाज़ में नाम सुनने को। अरे यार बंची अतृष्णा, मुझे तो याद है यार, आपकी डीपी देखकर तो मुझे पक्का याद आ रहा है कि अपन जयपुर मीट एंड ग्रीट पे मिले थे, आप और आपकी एक फ्रेंड, आप दोनों आए थे साथ में वहाँ पे मीट एंड ग्रीट पे। तो आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे। अभी भी क्या गला रिकवर नहीं हुआ है ना अच्छे से उस कोल्ड से, तो थोड़ा सा पेन होता है गाते हुए अभी। लेकिन हाँ अभी 1-2 दिन की और बात है, और फिर एकदम टंच, एकदम शानदार, एकदम बढ़िया वापस से हो जाएगा। प्रिया बजाज कह रही है, स्टे अ लिटिल लॉन्गर विद अस प्लीज। अच्छा, अरे यार तुम ऐसे कहते हो ना यार, मैं क्या कहूँ यार। अरे बहुत ज्यादा ऐसा लाड आता है मेरे को, अब मेरे को लाड आता है ना तो फिर मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। तो ठीक है यार, अपन और थोड़ी देर लाइव कर लेते हैं, मैं थोड़ी देर बाद में रियाज कर लूंगा, ठीक है? अब क्या कहूँ मैं यार, तुम ऐसे बोलते हो यार, तुम ऐसे प्यार से बोलते हो ना, मेरे तो मतलब जान निकल जाती है, मतलब होता है यार, अभी क्या करूं मैं, मेरे को होता है, मतलब थोड़ा सा है, टच हो जाता है, मतलब ऐसा इमोशंस इमोशंस। तो जाऊं क्या यार मैं अभी अभी ना, इच्छा तो करिए देखो रियाज करने की बहुत ज्यादा, क्योंकि गला मेरा थोड़ा दुख रहा है ना, तो अगर मैं और अच्छे से अभी धीरे धीरे रियाज करूंगा प्यार से, तो शायद गला और अच्छा हो जाएगा। और अभी कल नहीं तो परसों एक एक सॉन्ग है, उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो उसके बारे में तुम सबको बताऊंगा, शायद तक कल ही बता दूंगा जब वो सॉन्ग रिकॉर्ड हो रहा होगा कि वो क्या सॉन्ग है। थोड़ा सा गाकर गुनगुनाकर पोस्ट भी करूंगा वीडियो। तो हाँ बताऊं क्या तुमको, चलो यार बता ही देता हूँ सॉन्ग के बारे में, जो अभी मैं थोड़े ही दिन में, आने वाले दिन में मतलब रिकॉर्ड करने वाला हूँ। वो एक एक सॉन्ग है जिसका नाम है अकेले, और बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है वो, मॉम और उनके बच्चे, उसके बच्चे के रिलेशन के बारे में, कि मतलब कि कैसे वो बच्चा, जब बच्चा मतलब पैदा होता है तो कैसे वो मतलब उसका सब कुछ उसकी मॉम होती है, कि वो रोता है तो भी उसको चुप करवाने वाली सिर्फ उसकी मॉम होती है, उसकी मदर होती है, माँ होती है। तो इस थीम पे बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है अकेले, तो उसका मैं एक वर्जन मतलब आप सबके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ जल्दी ही। तो वो गाना ऐसा है कुछ कि रुको मैं बताऊंगा, एक बार रिकॉर्ड जान दो, उसके बाद में फिर पोस्ट भी करूंगा उसके बारे में, अच्छे से बताऊंगा भी, और तुम सब अच्छे से सुनना भी, ठीक है? तो अभी ना, अभी मेरी जाने मनो, मेरा टाइम है जाने का। और एक बात याद रखो, देखो भाई अभी मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, तुम्हारे भी बहुत सारे दोस्त हैं, पर अपना जो बॉन्ड है ना वो मतलब अलग है। और कभी भी मतलब तुम्हें ऐसा लगे ना कि यार कोई किसी से बात करनी है, कोई दोस्त है जो मतलब कोई तो चाहिए, तो याद रखो कोई हो ना हो मैं तो हमेशा रहूँगा। अपना क्या है मतलब ऐसा ही है मामला, अपन तो दिल से प्यार करते हैं और बहुत सारा प्यार करते हैं, और कोई भेदभाव नहीं है। इवन इफ यू हेट मी, इवन इफ यू डोंट लव मी, और इफ यू लव मी, नो मैटर वॉट, नो मैटर वॉट, आई विल ऑलवेज लव यू, आई विल ऑलवेज लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। तो मेरी प्यार हो, मेरी जाने वालों, अभी मेरा टाइम है जाने का। नेक्स्ट संडे फिर से अपन मिलेंगे, और होपफुली नेक्स्ट संडे तक आपके सामने ये जो अकेले सॉन्ग जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया वो जल्दी आप सबके सामने आ जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड एंड
कीप लविंग, कीप लविंग एवरी वन, मतलब जितने लोगों को हो सके ना उतने लोगों को प्यार करो, खूब सारा प्यार करो, दिल खोल के प्यार करो. एंड टेक केयर, स्टे लविंग, स्टे हैप्पी. आई लव यू.